बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में हर्षल महादेव नक्श ने एआई कार की पिच दी। बचपन में कार खरीदने का सपना देखने वाले महाराष्ट्र के छोटे से गांव यवतमाल के निवासी 27 वर्षीय हर्षल ने शार्क टैंक इंडिया 3 में अपने एंटरप्रेन्योरशिप के सपने एआई कार्स को प्रस्तुत किया। यह भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला हाइड्रोजन आधारित व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप है। हर्षल की यात्रा 19 साल की उम्र में शुरू हुई, जिसने एक वैश्विक ऑटोमोबाइल कंपनी बनाने के उनके जुनून को बढ़ाया। सिर्फ 18 महीनों में घर के पीछे एक छोटे से गैराज में इस कार को बनाया गया है। इसे बनाने में करीबन 60 लाख रुपए लगे हैं। दोस्तों और परिवार के अलावा अपने एक दूसरे बिजनेस से हुई कमाई का इस्तेमाल किया। इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल इस्तेमाल होते हैं। आपको बता दें कि जहां एक और इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज होने में औसत 5-6 घंटे लगते हैं, वहीं हाइड्रोजन फ्यूलिंग में महज 3-5 मिनट का वक्त लगता है। इतने में ही 1000 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज मिल जाती है। कार के फ्रंट में एक यूनिक शेप एलईडी हेडलाइट्स, टर्न सिग्नल और रियर में एलईडी टेललाइट्स दी गई है। हर्षल ने बताया कि उनकी यह कार ऑटोमेटिक है, जो कि भारत के रास्तों पर खुद ही चल सकती है। यहां तक कि उन्होंने तमाम शार्कों को एक टेस्ट ड्राइव भी दी। नॉर्मल ऑटोमेटिक कार का एआई लेंस सिस्टम पर काम करता है, जबकि इसमें जो एआई है वह भारतीय सड़कों के हिसाब से है। इसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग की सुविधा भी है। दोस्तों विदेशी कंपनियों एआई लीडर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जबकि इस कार में 3D कैमरा और अल्ट्रासोनिक सेंसर के जरिए काम होता है। टेस्ला ने भी अब 3D कैमरा पर शिफ्ट किया है, लेकिन अभी भी वो ये नहीं समझ पाता है कि सामने प्लास्टिक है या पत्थर, जबकि इस कार का एआई वो भी समझ सकता है। इस कार को 300 किलोमीटर तक ऑटोनोमस पर चलाया गया है। इस कार का एआई का खास यूज इमरजेंसी ब्रेकिंग के लिए भी काफी यूजफुल रहेगा, क्योंकि यह कार ये भी डिटेक्ट कर लेगी कि 500 मीटर में कौन सी व्हीकल स्लो हो रही है, जिसका इम्पैक्ट आपके व्हीकल को क्रैश होने के लिए हो सकता है। दोस्तों फिलहाल हाइड्रोजन फ्यूल की बात करें तो टोयोटा की मिराई कार है और हुंडा की नेक्सो कार है जो हाइड्रोजन फ्यूल पर चलती है, और अब भारत की एआई कार है जो हाइड्रोजन फ्यूल पर चलेगी। अगर कंपनी को अच्छे रिस्पॉन्स मिले तो यह कार हमारे बीच आ सकती है। तो दोस्तों ये थी मेड इन इंडिया हाइड्रोजन फ्यूल एआई कार। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारी चैनल टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय।